तो बो टू मांगा टू ब्लू वोटेक्स चैप्टर 13 आखिरकार ऑफिशियली आ चुका है। उस वाले चैप्टर के अंदर ऐसी ऐसी माइंड ब्लोइंग चीजें रिवील हुई है ना, जिसे देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। इट वाज परफेक्ट परफेक्ट एवरीथिंग डाउन टू द लास्ट माइन्यूट डिटेल्स। तो अभी यार इस वाली वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्पॉइलर अलर्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हमें जूरा को दिखाया जाता है, जो कि यार वहाँ पे खड़े खड़े बोटो को देख रहा था और वो ये कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, लेकिन ऐसा तो होना ही था। फेयरवेल बोटो सुसुकी। जूरा यहाँ पे जैसे बोटो के बदमाश अटैक करने के लिए जाता है, तभी जूरा के पेट से निकलता है बक्का शिंजू, जो कि जूरा से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, जिसके बाद यहाँ पे जूरा ये कहता है कि मोमोशी क्या हुआ। यहाँ पे बक्का शिंजू ये कहता है कि माशरी रिटर्न आ चुकी है और अब ये क्लियर हो चुका है कि कोई बंदा बोटो की हेल्प कर रहा है। जूरा इसके बाद यहाँ पे कहता है कि अच्छा तो उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने उसी पार्टनर से मिल रही होगी, जिसके बाद यहाँ पे बक्का शिंजू ये कहता है कि तुम्हारे हाथ में थ्रोनसोल इसका मतलब हिदारी यहाँ पे मारा गया। जूरा यहाँ पे ये बताता है कि जो हमारा एनिमी है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, चलो वापस जाने का टाइम आ गया है, हम ऐसे हिदारी के थ्रोनसोल को सड़ने नहीं दे सकते। बोटो सुसुकी बास्टर्ड, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, ऐसा लगता है कि हेवन भी ये चाहता है कि तुम अपनी लाइफ को भी कंटिन्यू करो। इसके बाद हम देखते हैं बोटो को जो कि हिदारी के अटैक की वजह से बेहोश होने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं बोटो का एक फ्लैशबैक जहाँ पे कुनोह के कुछ शिनोबी भाई बोटो को ढूंढ रहे होते हैं। बोटो यहाँ पे उन शिनोबी से छुप रहा होता है, तभी बोटो के पीछे से कोई बंदा उससे ये कहता है कि मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया बोटो, जिसके बाद बोटो पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि ये तो एक फ्रॉग है। तभी यहाँ पे वो फ्रॉग यार बोटो को ये बताता है कि यहाँ पे कम से कम 20 जन है जिन्होंने हमें हर तरह से ट्रैप कर लिया है और इन इनोसेंट लोगों को मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। बोटो यहाँ पे उस फ्रॉग से ये पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन, जिसके बाद यहाँ पे वो फ्रॉग ये बताता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई भी एनिमी नहीं हूँ, अगर मैं सर्च पार्टी का हिस्सा होता तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करने की जगह पहले उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर लेता, मैं बस यहाँ पे तुमसे कुछ आराम से बातचीत वगैरह करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद यहाँ पे बोटो ये कहता है कि तू बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो फ्रॉग यहाँ पे बोटो को ये बताता है कि सबसे पहले तुम इस जगह से निकलना होगा, उसी के बाद हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें मेरी पीठ पे अपना हाथ रखना होगा। बोटो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, जिसके बाद यहाँ पे वो फ्रॉग ये कहता है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है वो अभी से बेटर हो सकती है, या फिर तुम्हें मेंढक से डर लगता है। बोटो इसके बाद यहाँ पे उस मेंढक की पीठ पे अपना हाथ रख देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे काशिन कोजी अपने समनिंग जुत्सु का यूज करके बोटो को यहाँ पे समन कर लेता है और बोटो यहाँ पे अचानक से आ जाता है। बोटो यहाँ पे इस जगह को देख के कंफ्यूज होता है, जिसके बाद यहाँ पे काशिन कोजी बोटो को ये बताता है कि ये लैंड ऑफ विंड के एक बाहर की जगह है और ये ओरोचिमारु का एक अबैंडेड पुराना बेस है, और मैंने इस जगह की जो एंट्रेंस है मैंने उसको ऑलरेडी अपने गेंजुत्सु से हाइड कर दिया है, जिसकी वजह से कोई बंदा अब हमारी लोकेशन को आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा। बाय द वे अभी जो तुमने फ्रॉग देखा तो वो एक साइंटिफिक निंजा डिवाइस है, उसको जो स्ट्रक्चर है वो एक रियल फ्रॉग से सिमिलर है, लेकिन मैं इसे अपने चक्र से कंट्रोल कर सकता हूँ, और जो ये फ्रॉग है असल में बात नहीं कर सकता, वो इतनी देर से मैं था जो कि तुमसे बातें कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पे बोटो से पूछता है कि तुम आखिरकार हो कौन और भला तुम मुझे कैसे जानते हो। जिसके बाद यहाँ पे काशिन कुजी अपना वही पुराना टूटा हुआ मास्क अपने चेहरे पे पहनता और कहता है कि शायद से अब तुम मुझे पहचान पाओगे। बोटो यहाँ पे काशिन कुजी को पहचान लेता है, काशिन कुजी यहाँ पे बताता है कि मैं हूँ काशिन कुजी, जिसको कि अमाटो ने अपने हाथों से बनाया था, तुम मुझे एक आर्टिफिशियल ह्यूमन कह सकते हो। बोटो यहाँ पे कहता है कि काशिन कुजी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, तुम वही हो ना जिसने कि ओल्ड मैन को मारा था, तुमने कुना मारु सेंसेई को भी मारने की कोशिश करी थी। काशिन कुजी यहाँ पे बोटो से कहता है कि पहले तुम मुझे एक चीज कंफर्म करने दो, जब से तुम पैदा हुए हो क्या तुम हमेशा से बोटो उजुमा की थे। बोटो यहाँ पे कंफ्यूज होता है और वो जैसे कुछ कहना चाहता है तभी काशिन कुजी से कहता है कि मैं बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल सही सही आंसर देना। बोटो यहाँ पे काशिन कुजी से ये पूछता है कि क्या आपको ओमनीपोटेंस के बारे में कुछ पता है, जिसके बाद काशिन कुजी ये कहता है ओमनीपोटेंस हाँ तो तुम हो बोरुटो इचिकी के वेसल जो की कारा से भाग गए थे, मैंने और अमाटो ने तुम्हारी भागने में हेल्प की थी, क्या मैं अभी गलत हूँ। वैसे जिस ओमनीपोटेंस के बारे में तुम बातें कर रहे हो शायद से मैं उसके बारे में उतना भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इससे होने वाले इफेक्ट को समझ सकता हूँ। जिस दिन से तुम्हें विलेज से निकाला गया था उसी दिन से जो सबकी मेमोरीज है वो तुम्हारे और कावाकी के रिगार्डिंग कम्प्लीटली ऑल्टर्ड हो गई थी। बोटो यहाँ पे काशिन कुजी की बातें सुनने के बाद हैरान हो जाता और वही कहता है कि आपका वाला मतलब क्या है, ओमनीपोटेंस ने तो आपकी मेमोरी के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला होगा, लेकिन आप अपनी सिचुएशन को इतना ज्यादा डेप्थ में कैसे समझ पा रहे हो। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे ये सारी चीजें पहले से ही पता थी और मैंने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि ये आउटकम सच हो सकता है। बोटो यहाँ पे फुल शॉक्ड होता है, जिसके बस बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, जिसके बाद यहाँ पे काशिन कुजी उसे ये बताता है कि स्टिल मुझे अभी भी तुमसे माफी मांगनी है। उस टाइम पे अगर इशिकी इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं होता और मैं उस टाइम पे अपने मिशन को भी फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे पास और कोई
कोई भी चॉइस नहीं थी तुम्हारा सामना करने के अलावा, जिसकी वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिसकी वजह से बोटो ये कहता है कि मैं खुद भी एक निंजा हूँ, तो मैं चिस्को समझ सकता हूँ कि मिशन का जो वेट होता है वे कितना ज्यादा होता है, और मैं चिस्को खुद भी काफी ज्यादा टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और इससे फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि मैं अपनी खुद की पोजिशन को भी डिफेंड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे काशन कोजी ये कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे अमाटो ने क्रिएट किया है ताकि मैं इशिकी को हरा सकूं और अल्टीमेटली मैं डिवाइन ट्री को इस प्लेनेट से डिस्ट्रॉय कर सकूं, लेकिन उसकी वो जो ताकत थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा थी और मैं इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं था। उसने जिगन की बॉडी के ऊपर भी पूरी तरह से मैनेज कर लिया था और यही पे मेरा रोल एंड हो गया था, और अभी इस पॉइंट में नहीं तो मुझे कोई डर है, नहीं तो मुझे कोई रिग्रेट है। मैं बाकी का काम होकागे के ऊपर छोड़ता और मरने से पहले जो वो साइलेंस था उसी टाइम पे मैंने अपने आंखों के सामने एक के बाद एक उन चीजों को देखा जो कि आगे जाके फ्यूचर में हो सकते हैं, और मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि जिस भी फ्यूचर के अंदर पोटेंशियल होगा वो आगे जाके रियलिटी बन जाएगा, और मैंने ये सारी फ्यूचर की सीन्स को देखा था। एंड यहाँ पे यार हम लोग ये देख सकते हैं कि काशिन कोजी ने फ्यूचर के अंदर यहाँ पे 5 शिंजू को देखा था, जो ये 5 वाला शिंजू है ये गारा का अडॉप्टेड बेटा शिंकी का शिंजू है। काशिन कोजी इसके बाद यहाँ पे ये चीज बताता है कि मुझे ये चीज समझ आ गई थी कि इचिकी के मरने के बाद भी ये चीज ओवर नहीं होने वाली अनलेस अगर टेंटल खुद ही को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेता, लेकिन ये प्लेनेट अब लगातार खतरे में रहने वाला है। पर ये अभी भी सही है, कुछ ऐसी चीजें जिनका मुझे अभी भी ध्यान रखना है, और मैं वहाँ पे ऐसे ही मरना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने जो जो विजन्स देखे थे मैंने उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व किया और देखा कि उनमें से कितनी चीजें आगे जाके रियलिटी में भी हुई थी। फिर मैंने इसके बाद अपनी एबिलिटी को समझा और मैं इसकी गहराई तक गया था। बोट उसके बाद यहाँ पे काशिन कोजी से पूछता है कि ओमनीपोटेंस का यूज करने की वजह से कावाकी और मेरे जो रोल्स थे वापस में एक्सचेंज हो गए थे, क्या आपको इसका पता पहले ही चल गया था? काशिन कोजी बताता है कि हाँ, पर जब तक मैंने तुमसे इस बारे में डायरेक्टली नहीं पूछा था तब तक मैं अपने आप को श्योर नहीं कर सकता था, पर आखिरकार मेरी समझ के अंदर ये चीज हमेशा से रही है कि कावाकी होकागे का बेटा है। बोट उसके बाद यहाँ पे काशिन कोजी से ये पूछता है कि तुम्हारी जो ये एबिलिटी है ये असल में है क्या और ये तुम्हें अचानक से कैसे मिल गई? काशिन कोजी इसके बाद यार बोट को ये बताता है कि तुमने अमाटो से शिबाया उत्सुकी के बारे में तो सुना ही होगा। शिबाया उत्सुकी जिससे कि काउंटलेस प्लैनेट्स को डिवोर कर रखा है, साथ ही में उसके पास सभी डिवाइन टेक्निक्स है जिससे उसे गॉड कहते हैं, एक एशियंट उत्सुकी। बोट उसके बाद यहाँ पे कहता है शिबाया उत्सुकी, जिसके बाद यहाँ पे काशिन कोजी उसे बताता है कि कारा के जितने मेंबर्स हैं उन्हें एनहांस और मॉडिफाई किया गया अमाटो के द्वारा और उनके अंदर ट्रांसफर करे गए हैं शिबाया उत्सुकी के सेल्स को, और इसको मैनिफेस्ट करने की वजह से उसके बहुत सारे शिंजुत्सु एबिलिटीज में से एटलीस्ट हमें एक एबिलिटी टू सक्सेसफुली गेन हो सकती है, पर ये पूरी तरीके से लक पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एबिलिटी गेन होगी, और इसका रिजल्ट है कि कोड के पास क्लोमार्क्स बनाने की एबिलिटी है, डायमंड के पास सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी, और एडा के पास है गॉड लाइक एबिलिटी, लेकिन उनमें से कुछ जैसे कि बोरो, डेल्टा और मैच जिनके पास स्टार्टिंग से कोई भी शिंजुत्सु एबिलिटी नहीं थी, लेकिन इचिकी के साथ फाइट करने के बाद जब मैं ऑलमोस्ट मरने की कगार पे आ गया था उसी टाइम पे मैंने अपनी शिंजुत्सु एबिलिटी को गेन किया था, जो कि एबिलिटी है जिससे मैं देख सकता हूँ वो हर एक पॉसिबल फ्यूचर को। बोट उसके बाद यहाँ पे कहता है कि सभी पॉसिबल फ्यूचर, जिसके बाद यहाँ पे काशिन कोजी उसे बताता है कि ये सुनने में बहुत ज्यादा ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन जो हमारा फ्यूचर है वो एक सिंपल स्ट्रेट पाथ पे नहीं है, इसमें बेस्ड बहुत सी ब्रांचेस और इसमें मल्टीपल फॉग्ड और बहुत सारे क्रॉस रोड है जो कि एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। सीधी भाषा में कहे तो एक ऐसा बैटल रॉयल है जो कि किस्मत पे ही चल रहा है, मतलब यार जिस भी फ्यूचर के अंदर दम होगा वो आगे जाके रियलिटी बन जाएगा। और यहाँ पे काशिन कोजी ये बताता है कि हम ऑलरेडी अपने फेथ को स्केप कर चुके हैं, जैसे कि इचिकी ने होकागे को मार दिया था और वो कावाकी की बॉडी के ऊपर रिजरेक्ट कर लेता है, एंड साथ ही में उसने एक डिवाइन ट्री को भी लगाया था और उसने प्लेनेट को तबाह कर दिया था। बूटो ये सुनने के बाद कहता है कि क्या, जिसके बाद यहाँ पे काशिन कोजी उसे बताता है कि लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ, पर इसकी होने की संभावना बहुत सारी थी, और तुम इसका एक दूसरा एग्जांपल ही ले लो, जब कावाकी ने होकागे को गायब कर दिया था उस टाइम पे कावाकी ने तुम्हें मार दिया था, साथ ही में जो सारा था ऊंचिया जो कि तुम्हें बचाने के लिए आई थी कावाकी ने उसे भी मार दिया था, पर इस केस में कावाकी और तुम्हारी जो पोजीशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती और कावाकी यहाँ पे कोर्ट से हार जाता और उसे टेंटेल को खिलाया जाता, उसके बाद वो टेंटेल एक डिवाइन ट्री बन के एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता। मैंने जो जो चीजें देखी थी उसे प्रूफ कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्पेशली उन चीजों को जो की असलियत में कभी भी हुई नहीं थी। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ हमारा जो फ्यूचर है इतने ज्यादा टाइम से गलत राह पे चल रहा है। बोटो यहाँ पे सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पे ये कहता है कि बिल्कुल एक पागलपन भरी कहानी है, लेकिन मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, फैक्ट तो ये है कि सारी चीजें रियलिटी में हो सकती है थैंक्स टू ओमनीपोटेंस। इसके बावजूद ये कितना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं तुम पे यकीन नहीं करता कि तुमने सभी फ्यूचर्स को देखा था, लेकिन मैं इसे कम्प्लीटली डिक्लाइन भी नहीं कर सकता, नहीं मैं इसे एडमिट कर सकता हूँ। काशिन कोजी यहाँ पे कहता है कि ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। बोटो इसके बाद यहाँ पे काशिन कोजी से कहता है कि मेरा तुमसे एक सवाल है, जो सारी चीजें हो रही है एक सर्टेन वे के अंदर नहीं हो सकती, तो ये
मैटर नहीं करते क्या? और जो तुम ये सभी फ्यूचर्स को थोड़ा बहुत देख सकते हो, क्या ये हमारे लिए यूजफुल है? काशिन को, जिसके बाद यहाँ पे बोटो को ये बताता है कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटेल। अब देखो, एग्जांपल के तौर पे तुम्हारी पूरी जिंदगी बस भागा दौड़ी में ही है, लेकिन तुम इससे इसको रोक सकते हो। बोटो इसे सुनने के बाद ये कहता है कि हाँ, ये तो हमारे लिए हेल्पफुल है। जिसके बाद यहाँ पे काशिन को जिसे ये बताता है कि इससे तुम उन जुत्सों को सीख सकते हो जिन्हें की तुम फ्यूचर में आगे जाके मास्टर करने वाले हो। एंड ये अल्टरनेट लर्निंग ऑप्टिमाइज ट्रेनिंग होने वाली है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे बोटो ये कहता है कि वो, ये तो सुपर ऑसम है, कैसा पॉसिबल हो सकता है? इसके बाद यहाँ पे काशिन को जी ये बताता है कि ये कोई भी टाइमलाइन पैराडॉक्स नहीं है, मैंने बस जो देखा है मैं बस तुम्हें वही बता रहा हूँ, ये बस टोटली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है या फिर प्रेसाइंस है। और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम कैसे सास्के उच्चा को रेस्क्यू कर सकते हो स्ट्रीम में से, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे बोटो शॉक हो जाता है। लेकिन पहले मुझे इसे समझना होगा, इस वर्स्ट फ्यूचर को जो कि पॉसिबल हो सकता है अभी। बोटो यहाँ पे कहता है कि वर्स्ट फ्यूचर, जिसके बाद यहाँ पे काशिन को जिसे बताता है कि टेंटेल ब्रेक होके फ्री हो जाएगा कोड के कंट्रोल्स, उसके बाद वो एक नए तरीके से इवॉल्व होगा। उस टाइम पे हमें डिवाइन ट्री वाले मल्टीपल पीपल शो होंगे जो कि इंडिविजुअली अपना अपना माइंड पोजेस करते हैं। हमें पहले टेंटेल्स की रूट और ब्रांच को निपटाना होगा, लेकिन हमारे सक्सेस होने के चांस बहुत ही ज्यादा कम है, और मैंने जितने फ्यूचर्स देखे हैं सबके अंदर बस यही हाल है। डिवाइन ट्री के जो लोग है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और उन सभी का लीडर है जूरा, जिसे सुनने के बाद बोटो कहता है जूरा। काशिन को जी यहाँ पे बोटो को ये भी बताता है कि बोटो वो तुम्हें मारने वाला है। वैसे ये चीज होना तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से फ्यूचर के अंदर जिसको होते हुए देखा है, और वो लोग ऐसे सिमिलर तरीके से कावाकी को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग कावाकी को टेंटेल को खिला के इस प्लैनेट को तबाह कर देंगे। अब जाहिर सी बात है कि हम इस वर्स के इसको रियलिटी बनने नहीं दे सकते, और हम इसे कैसे भी करके रोकना होगा। अब इसके अंदर बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, और अभी से जो तुम इन चीजों को सीखने लगे हो, जिसकी वजह से जो हमारा फ्यूचर है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। हर टाइम पे एक टिक। बूट उसके बाद यहाँ पे काशिन को जिसे कहता है कि मिस्टर काशिन को जी, चाहे मुझे टेंटेल को रोकना हो या ना हो, लेकिन मैं इस चीज पे कभी भी एग्री नहीं करने वाला। मैं उस किसी भी प्लान या ऑप्शन के ऊपर एग्री नहीं करने वाला जिसके अंदर कावाकी को मारना इन्वॉल्व हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब देखो भाई, तुम्हें इससे अंदाजा लग ही गया होगा कि जो हमारा यंग लॉर्ड है कावाकी ने उसके साथ इतना कुछ किया, लेकिन वो अभी भी कावाकी की केयर कर रहा है। यंग लॉर्ड के लिए रिस्पेक्ट तो बनती है भाई। बोटो यहाँ पे काशिन को जी को ये बताता है कि जो मेरा इडियट ब्रो है उसे धीरे धीरे चीजें सेंस होगी, और मुझे अपने उजुमा की फैमिली को दोबारा से रिस्टोर करना है, और यही मेरा गोल है। बोटो उसके बाद यहाँ पे अपना हेडबैंड निकालता और अपने सर पे पहनने लगता, और वो ये कहता है कि अगर टेंटेल मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। हमें अपनी सांसें यहाँ पे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मैं टेंटेल और कोर्ट दोनों को ही फिनिश कर दूंगा। और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है, जिसके बाद हम देखते हैं बोटो को जो कि जख्मी था, जिसको कि सुमेरे हिलने से मना करती है। हम देखते हैं कि सारादो को भी यहाँ पे होश आ गया था। कोना मारू यहाँ पे सारादो को देखता है और उसे ये कहता है कि तुम्हारी बोन्स तो ठीक लग रही है, मुझे लगता है कि तुम्हारी नर्व्स में डैमेज आया। जिसके बाद यहाँ पे सारादो ये कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, प्लीज बोरूटो को देखो। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हिमावरी को भी यहाँ पे होश आ गया था, जिसके बाद वो कहती है मिस्टर नाशी। जिसके बाद यहाँ पे मिस्टर नाशी उससे कहते हैं कि हिमावरी, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हिमावरी इसके बाद यहाँ पे सारादा की तरफ देखती है और उसे पता चलता है कि वो इंजर्ड है। वो भाग के या सारादा के पास जाती है और उसे अपनी पावर से हील कर देती है। हिमावरी की हीलिंग एबिलिटी देखने के बाद यहाँ पे सारादा और कोनामारू दोनों शॉक होते हैं, जिसके बाद हिमावरी उसे बताती है कि इंजरी उतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि ये काम करेगा। यहाँ पे सुमेरे हिमावरी से कहती है कि हिमावरी प्लीज बोटो की भी हेल्प करो, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे हिमावरी कहती है कि बोटो वो वापस आ गया। जिसके बाद यहाँ पे कावाकी उससे कहता है कि हिमावरी रुक जाओ, उसके करीब मत जाना। यहाँ पे सारदा कावाकी की तरफ देख के उसे कहती है कि कावाकी के बच्चे। जिसके बाद यहाँ पे कावाकी कहता है कि मुझे गलत मत समझ जाना, लेकिन उसे हील करने से पहले हमें कुछ और करना होगा, मैंने सही कहा ना कोनामारू सेंसेई? कोनामारू यहाँ पे कहता है कि सही कहा, हम इस परफेक्ट अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। जिसके बाद वो बोटो सुमेरे के पास आता है और सुमेरे से ये कहता है कि सुमेरे मेरे सामने से हट जाओ। कोनामारू उसके बाद यहाँ पे बोटो के हाथ में हथकड़ी पहना देता है और वो ये कहता है कि आमाडो का कस्टम सील है, जिससे कि बोटो कोई भी जुत्सु का यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे सारदा कोनामारू को रोकने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे कोनामारू सारदा से कहता है कि सारदा कंप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये लॉ है, हमें लॉर्ड एड के फैसले की अभी जरूरत है। इसके बाद यहाँ पे कावाकी बोटो के कॉलर से एक मेंढक को निकालता है और ये कहता है कि क्या ये काशिन को जी? जिसके बाद वो मेंढक अपने आप ही फट जाता है। कोनामारू ये देखने के बाद यहाँ पे कावाकी से ये पूछता है कि ये क्या था? जिसके बाद यहाँ पे कावाकी कहता है कि कुछ भी नहीं। जिसके बाद हमें काशिन को जी को दिखाया जाता है जो कि ये कहता है कि अब ये परेशानी पता नहीं किस तरफ जा रही है। फिर हमें उसे थ्रोन सोल को दोबारा से दिखाया जाता है, जिसको कि जूरा एक बॉक्स के ऊपर रखता है, तभी जो टेंटेल की रूट्स होती है उस थ्रोन सोल से आके मर्ज हो जाती है और यही पे हिदारी जिंदा हो जाता है। यहाँ पे जूरा हिदारी से कहता है कि वेल हिदारी, कोई दिक्कत? जिसके बाद यहाँ पे हिदारी कहता है कि किसे पता, मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद यहाँ पे जूरा ये कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें पता है कि तुम हिदारी हो, तो तुम्हारी अपीयरेंस और
तुम्हारी आइडेंटिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, गुड। फिर इसके बाद जो मोहिकी की छिंजू है मात्सुरी, वो जूरा से कहती है कि जूरा भी इसके लिए टाइम नहीं है, तुम्हें पता है ना क्यों। फिर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो टेंटिल की रूट्स होती है वहाँ पे एक और थ्रोन सोल लगा हुआ था, जिसको कि जूरा कहता है कि ठीक है अब इसे हार्वेस्ट कर दो। मात्सुरी इसके बाद उस थ्रोन सोल को उसी बॉक्स के ऊपर रखती है, जिसके बाद यहाँ पे जूरा ये कहता है कि तो अब इसका क्या नाम होने वाला है, और यही पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। और इस वाले चैप्टर को देखने के बाद यार अब चीजें धीरे धीरे समझ आ रही है कि जो हमने पहले एपिसोड में बोट और कावकी का ये वाला सीन देखा था, ये सबसे ज्यादा बेस्ट पॉसिबिलिटी थी। और अभी यार किशिमोटो सेंसे लिटरली भाई बोटो की मांगा को इतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से कुक कर रहे हैं ना, सब पढ़ के अलग ही मजा आ रहा है। और जहाँ तक यार मेरे को लगता है कि हमें अगले चैप्टर के अंदर जो हमारा फिफ्थ शिंजू है, जिसके बारे में काशिन कुजी ने हमें बताया था, वो हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर तुम लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी और वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए